नमस्कार, मेरे चैनल @devanshi tiwari में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की डिमांड भी ना बिल्कुल अजीब होती है। आज मेरी बेटी ने मुझसे डिमांड करी कि मुझे मैगी खानी है, लेकिन उसमें मैगी मसाला नहीं डालना। मैंने कहा यार, मैगी और मैगी मसाला के बिना ये कैसे पॉसिबल है। तो कहने लगी, नहीं मुझे तो आज मैगी खानी भी है और मैगी मसाला भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। तो आइए आप भी देखिए फिर मैंने क्या किया। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आज की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ली है कुछ कटी हुई सब्जियां, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स और प्याज। इसके अलावा और सब्जियां जो आपके पास घर पे अवेलेबल हो आप उनको यूज कर सकते हैं। कॉर्न डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है कॉर्न। और इसके साथ ही मैंने चीज स्लाइसेस ली हैं, आप चीज कोई भी यूज कर सकते हैं, चीज क्यूब्स एक्सेट्रा। और ये ऑरिगेनो है, प्लस ये मैंने लिया है शेजवान सॉस और मैगी। अब हम एक पैन में एक ग्लास पानी लेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें मैगी डाल दूंगी और मैगी को बॉईल कर लेंगे। हमारी मैगी पक चुकी है, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब इसको इस छन्नी से छान लेंगे। अब हम अपनी मैगी को थोड़े से ठंडे पानी से धुल लेंगे। ताकि ये स्टिकी नहीं हो। अब हम एक पैन लेके उसमें ऑयल डालेंगे और इसको गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेंगे, बहुत ज्यादा किसी भी सब्जी को नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा क्रंच रखेंगे तो खाने में अच्छा लगेगा। प्याज हल्का हो गया है, अब इसमें बीन्स डाल देंगे, बीन्स को भी पकाएंगे। जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाए, इनके साथ शिमला मिर्च और गाजर को नहीं डालेंगे क्योंकि शिमला मिर्च और गाजर जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो फिर गल जाएंगे, उनमें क्रंच नहीं रह जाएगा। और सब्जियों को पकाने का काम हम मीडियम फ्लेम पर ही करें। बीन्स को 1 से 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें गाजर। और इनके साथ ही हम डाल देंगे सब्जियों के अकॉर्डिंग नमक। नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि अभी मैगी में भी नमक होता है, चीज में भी नमक होगा, शेजवान सॉस में भी नमक होगा, तो नमक ज्यादा हो सकता है। बहुत हल्का सा नमक डाल देंगे। सब्जियां हमारी हो चुकी हैं, अब मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून भर के शेजवान सॉस और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे अपनी मैगी।
और मैगी के साथ सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को पकाने में मुझे 3 से 4 मिनट का समय लगा है। ये डिपेंड करेगा आप सब्जी किस साइज में काटे, बहुत बारीक सब्जी होगी जल्दी पक जाएंगी, थोड़ी सी बड़ी मोटी साइज में होंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्लाइसेस को खोल ऐसे रख दें और फिर हम इसके ऊपर से ये ओरिगैनो डाल देंगे। अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे जब तक कि हमारा चीज मेल्ट नहीं हो जाता है। चीज मेल्ट हो चुका है, अब मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ और ये हमारी बन चुकी है। और अगर मेरा ये तरीका आपको भी पसंद आया हो तो आप भी इसको घर पर ट्राई करिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।